चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। एक बार सभी लोग क्लियर करेंगे, ये क्या स्क्रीन सामने आपको दिख रही है? यस सर, दिख रही है। ठीक है, तो फटाफट एक बार बता दूं मैं कि जो हम लोग क्लास आज लेंगे वो ईएमआरएस पे है। ठीक है, ईएमआरएस की एग्जाम पर हम लोग एनालिसिस करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज को हम लोग समझेंगे कि क्या सीबीएसई जब पेपर कंडक्ट कराती है तो किन किन पॉइंट्स को और किन किन टॉपिक्स को टारगेट करती है, सिलेबस से क्वेश्चंस कैसे बनाती है, उनके क्वेश्चंस के पैटर्न क्या होते हैं, तो इस चीज को हम समझेंगे। तो टोटली आज जो हमारा क्लास रहेगा वो डिपेंड रहेगा और कंसीडर करेगा ईएमआरएस एग्जाम्स जो कि 2023 में होने वाले हैं। आप सबने भरे होंगे और एडमिट कार्ड अभी लिंक आया था बट अभी डाउनलोड नहीं हो रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं जिनको नहीं मालूम है, टोटल जो क्वेश्चंस होंगे वो 150 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, आपका जो टाइम होगा 150 मिनट्स होगा। ठीक है, ईच क्वेश्चंस के लिए आपको करने हैं। ठीक है, इसका जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होगा ये दोनों आपका हिंदी इंग्लिश होगा और पेन पेपर फॉर्मेट में होगा। कौन सा होगा? पेन पेपर फॉर्मेट। ठीक है, तो पेन पेपर फॉर्मेट आप समझते होंगे सभी लोग कि पेन पेपर फॉर्मेट क्या होता है, मतलब कि ऑफलाइन पेपर होगा। ठीक है, जो हमारा पेपर होगा वो कौन सा होगा? ऑफलाइन सेट में होगा, ऑफलाइन में होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे इसमें। ठीक है, ये हमारा पैटर्न होगा। क्वेश्चंस के जो सिस्टम रहेंगे वो आपका रीजनल लैंग्वेज होगा 10 नंबर का। ये रीजनल लैंग्वेज आपका आपने चॉइस किया होगा जब भी आपने फॉर्म फिल किया होगा, एज अ लोकल लैंग्वेज को हम रीजनल लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस होंगे और 10 मार्क्स उसका भी होगा। जनरल हिंदी के भी 10 नंबर होंगे, जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर्स, ये जनरल अवेयरनेस से सारा चीज इसी से मिलाकर होगा, तो 10 नंबर यहाँ के होंगे। रीजनिंग के 10 होंगे, कंप्यूटर यानी आईसीटी बेस्ड पर क्वेश्चंस होगा 10। टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चंस होंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड में जिसको दिक्कत हो रही है वो देखिए, मैं उनको बोलना चाहूंगा कि जैसे केवीएस का एग्जाम अभी 2023 में कंडक्ट हुआ था फरवरी में, आप सभी जानते होंगे। ठीक है, तो अभी केवीएस का एग्जाम फरवरी में कंडक्ट किया गया था, तो उसमें क्या था कि जो अदर सब्जेक्ट थे जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और ये सब जो सब्जेक्ट थे ना, तो वहां पर भी 20 नंबर का ना, जैसे 80 नंबर का उनका सब्जेक्ट स्पेसिफिक था और 20 मार्क्स का टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस थे। तो आप चाहे तो पेडागोजी और टीचिंग एप्टीट्यूड वहां से ले सकते हैं, मतलब वो देख सकते हैं, वहां से आपकी प्रैक्टिस होगी। निश्चित है कि आपको वहां के पैटर्न से क्वेश्चंस आपको मैच करता हुआ दिखेगा, इस बात का मैं आपको बोल सकता हूँ। मतलब एक अंदाजा लग जाएगा आपको कि क्या लेवल रहेगा आपके टीचिंग एप्टीट्यूड और पेडागोजी का। ठीक है, चाइल्ड पेडागोजी का, तो आप वहां से सर्च कर लीजिएगा, आपको नेट पे भी मिल जाएगा जो पुराने पेपर हुए हैं, जैसे इंग्लिश है, मैथ्स है, जो भी सब्जेक्ट के अभी केवीएस ने कराए थे तो वहां 20 मार्क्स के दिए थे। ठीक है, तो चाइल्ड साइकोलॉजी वगैरह वहां से टीचिंग एप्टीट्यूड वहां से आप देख सकते हैं। अभी जो यहाँ पर आपका ईएमआरएस में फिजिकल का जो क्वेश्चन होगा सब्जेक्ट के, वो 65 होगा टोटल क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो 20 आपके क्वेश्चंस होंगे 65 होंगे फिजिकल के ही, 80 होंगे, बट इसमें 65 क्यों बोला है मैं बताऊंगा आपको कि फिजिकल में ही आपको 10 मार्क्स के एनईपी के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो एनईपी का सेक्शन वीडियोस बहुत आराम से बहुत अच्छे से देख लीजिएगा हर एक चीज को। देखिए इसमें आपको बता दूं जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा वो आपका स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, जैसा कि आपने देखा होगा ए बी सी डी ई ऑप्शन होता है। अब उसमें से जो ऑप्शन आया, क्वेश्चन आएगा, वहां बोलेगा ए बी सी सही है या सी डी ई सही है, ऐसे वाले क्वेश्चंस एनईपी से 2-3 आपको मिल सकते हैं। इसीलिए ये ऐसा नहीं कि सिंपली हमको पढ़ना है एनईपी को बहुत अच्छे से, क्योंकि 10 क्वेश्चंस इस सिर्फ इस टॉपिक से आएंगे, तो इसलिए आपको यहाँ से बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। 5 जो क्वेश्चन होंगे वो खेलो इंडिया और फिट इंडिया से होंगे, तो 15 ये और बाकी जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है ये 80 क्वेश्चंस मानी फिजिकल से आएंगे, इतने ये सब फिजिकल का ही पार्ट रहेगा। ठीक है, तो इनको आप देख लीजिएगा, जब इनको हम टोटलिंग करेंगे तो 150 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम देखेंगे कि निगेटिव मार्किंग्स क्या है, तो 1 मार्क्स आपको मिलेगा करेक्ट आंसर पे, और जैसे ही आपने गलत क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और जो रीजनल लैंग्वेज, जो लैंग्वेज वाला भाग है, उससे 3 लैंग्वेज आपको मिलेगा, हिंदी, इंग्लिश और रीजनल, तो उसमें आपने भाषा जो भी चॉइस की होगी वो आपके अकॉर्डिंग आएगा। तो 4-4 नंबर तीनों में लाना अनिवार्य है, अन्यथा आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी, आप एलिजिबल नहीं होंगे बाकी के लिए।
जनरल अवेयरनेस में देखिए जो होगा वो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स में स्पेशल इंफेसिस ऑन फिजिकल सॉरी एजुकेशन पर ज्यादातर फोकस करना चाहिए कि एजुकेशन में जो शिक्षा नई नई शिक्षा आई है उन पर जो करंट अफेयर्स आया है या क्या नया चेंज बदलाव हुआ है ना, तो जो भी चीजें सेंट्रल में या एजुकेशन मिनिस्टर ये सब चीजों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये आपको नॉलेज वहां पर इनसे क्वेश्चंस आएंगे, 10 क्वेश्चंस होंगे। रीजनिंग की बात कर लेते हैं तो रीजनिंग में आपके क्या है, पजल्स रहेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट है, डेटा सफिशियंसी है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, वर्बल रीजनिंग रहेगी, नॉन वर्बल नहीं होगा, इनइक्वालिटी ब्लड रिलेशन सीक्वेंस होगा, सीरीज होगा, डायरेक्शन टेस्ट है, एजर्शन और रीजन और वेन डायग्राम से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ये आपका रीजनिंग का पैटर्न होगा, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं नॉलेज ऑफ आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी का फुल फॉर्म हुआ, फंडामेंटल्स कंप्यूटर सिस्टम के बारे में जानना है आपको, जैसे मेमोरी कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं कंप्यूटर्स, ठीक है, तो ये सब चीजें आपको जरूर जानना चाहिए, बेसिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एमएस ऑफिस के जितने भी सुइट्स होते हैं वो आपको जानने हैं ना, कीबोर्ड्स के जो शॉर्टकट कीज होते हैं तो किससे क्या होता है शॉर्टकट कीज है, ये चीज है, आउटपुट इनपुट डिवाइस क्या होता है। तो पिछले केवीएस ने एग्जाम कराया था 18 में भी और 23 में भी और नवोदय ने भी, तो कंप्यूटर वाले जो क्वेश्चन है आप वहां से एक बार देख कर अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या लेवल होगा क्वेश्चन का, तो आप वहां से इसको कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स होंगे जैसे पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, इस तरह से पूछा जा सकता है, जेपीजी का फुल फॉर्म क्या है, एब्रिविएशन आपको वहां मिलेंगे देखने को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, जैसे आजकल आपने फायरवॉल का नाम सुना होगा, जो वायरस टाइप्स ऑफ वायरसेस आजकल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी है, वहां पर इंटरनेट है, तो ये सब चीजों के बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड की बात कर लेते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड में टीचिंग का नेचर क्या होता है, ऑब्जेक्टिव एंड बेसिक रिक्वायरमेंट, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आपको मैं बेसिकली और सही बात बताऊं तो मेरे हिसाब से ना आप क्या करना कि इस सारे चीजें अगर आपको नहीं समझ में आ रही हैं तो आप खाली इन टॉपिक का नाम डालना, ठीक है, और उसके आगे डाल देना कि केवीएस 2023 पेपर्स में कैसे आए थे क्वेश्चन, तो ये वाले क्वेश्चंस आपको कैसे आए थे वहां पर, ये आपको मिल जाएगा। अगर आप नहीं ले पाते हैं यूट्यूब पे डायरेक्टली आप सर्च कर सकते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड आपको देखिए ये जो टॉपिक्स है ये आपका नेट की जो टॉपिक्स होती है ना फर्स्ट पेपर में, वहां से भी कुछ टॉपिक आपका क्लियर कर रहा है, ठीक है। तो नेट्स के टॉपिक जो आपके हैं वो सारे वहां से आपके टच में हैं, तो इसलिए आप वहां से भी चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो टीचिंग नेचर वाला है कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आपका नेट का जो फर्स्ट पेपर में टीचिंग कैरेक्टर लर्नरिस्टिक्स है, तो ये सब चीजें आप पढ़ सकते हैं, इनके पुराने क्वेश्चंस को एक बार जरूर देख लीजिएगा। इसलिए ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको एक बार अंदाजा लगेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। जैसे फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग मेथड्स को बारे में आप जान लीजिएगा, टीचिंग एड्स कितने होते हैं, किस प्रकार के टीचिंग एड्स होते हैं, जैसे आईडी विजुअल एड्स होता है, विजुअल एड्स होता है ना, तो कौन कौन से किसमें आते हैं, ग्रामोफोन किसमें आता है, मैप जो होता है, मैप से अगर कोई पढ़ाता तो किस प्रकार का टीचिंग एड्स होता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो जरूर आप इस चीज को कंडक्ट कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। कहाँ से मिलेगा, मैंने बार बार बताया आपको कि आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पे बस खाली टॉपिक का नाम डाल दीजिएगा और पुराने पेपर्स में कहीं ना कहीं से, और उसके साथ एमसीक्यू डाल दीजिएगा या पीवाईक्यूज डाल दीजिएगा, ऐसा सर्च कर लीजिएगा टॉपिक का नाम पीवाईक्यूज, तो वो आपको उससे रिलेटेड जितने भी पुराने क्वेश्चंस होंगे वो आपको मिल जाएंगे, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। क्योंकि देखिए टाइम आपके पास ज्यादा है नहीं कि आप अगर थ्योरी पे जाएंगे तो फिर आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड ऑन पेडागॉजी एंड केस स्टडी बेस्ड होगा थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी से क्वेश्चंस आएगा, फर्स्ट पार्ट में भी आएगा और सेकंड पार्ट में भी आएगा, ठीक है, लेकिन आपको सेकंड पार्ट में ज्यादा ध्यान देना है। फिजिकल में 10 क्वेश्चन आएंगे एनईपी से, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है कि कौन इसके वो थे, ठीक है, कस्तूरी रंजन थे और कौन कौन, तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा, पहला कब आया था, दूसरा कब आया था, तीसरा कब आया था, जो अभी आया है हाल ही में तो उसमें क्या नया इम्फेसिस था, मोटो उनका क्या था और उसमें किन क्या बातों को रखा गया सामने, ठीक है। और ये जो खेलो इंडिया है, फिट इंडिया है, 5 नंबर यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, जो फिट इंडिया का ऐप होता है कि कौन से टेस्ट कौन कौन से अभी फिट इंडिया का टेस्ट बनाए गए हैं, असेसमेंट बनाया गया है कि कैसे हम फिजिकल को असेसमेंट कर सकते हैं,
ठीक है, फिटनेस को। जनरल हिंदी में देख लीजिए, आपका संधि है, समास है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, ये सब अशुद्धियां हैं, ये सब आप पढ़ लीजिएगा हिंदी तो आप जान लेंगे। वर्ब है, टेंस है, वॉइस सब्जेक्ट है, वर्ब है, एग्रीमेंट आर्टिकल्स है, आपका कंप्रेंजन होगा, फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको मिलेगा इंग्लिश में। खासकर जो बच्चों को दिक्कत होती है, जो बच्चे यूपी बोर्ड से पढ़े हुए हैं और तैयारी करना चाहते हैं एमआरएस के लिए या केवीएस के लिए, तो अक्सर उनको इस सेक्शन में प्रॉब्लम होती है ना। तो इसके लिए मैं उन्हें एक ही सजेशन दूंगा कि आप पुराने पेपर्स को जो इंग्लिश आया हुआ है उस वहाँ पे वोकेबलरी, जो भी वोकैब है वहाँ पे वोकेबलरी को, इडियम्स को और इंटोनिम्स सिनोनिम्स को देखकर, जो कि लास्ट में आए हुए हैं, उन पर आप फोकस करके एक बार उनका देख लीजिएगा, वो आपको ज्यादा अच्छा करा देंगे। ठीक है, वो ज्यादा अच्छा आपको वहां से मिल जाएगा डायरेक्टली आपकी, क्योंकि टाइम बहुत कम है, 1 वीक का ही टाइम है, तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा फर्स्ट पेपर के लिए थोड़ा सा एनालिसिस कि कैसे आपको तैयारी करना है, मैंने आपको बता दिया। जो लोग लेट से आए हैं उनको बता दूं कि मैंने फर्स्ट पेपर का एनालिसिस किया कि कैसे आपको पढ़ना है, कितने कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे, ये मैंने आपको सारे बता दिए। मेरी निगेटिव मार्किंग है इसमें और क्वालिफाइंग मार्क्स भी है लैंग्वेज में। अब आगे बात कर लेते हैं फिजिकल एजुकेशन का, जो पेपर आएगा वो कैसे आएगा। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन का सबसे पहले बता दूं आपको कि डेफिनेशन से एक क्वेश्चन आएगा या मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन से एक क्वेश्चन आएगा। जैसे इसमें ये पूछ सकता है कि मीनिंग में कि फिजिकल एजुकेशन को आजकल किस मॉडर्न टाइम में फिजिकल एजुकेशन को किस नाम से जानते हैं, तो आजकल इसको मॉडर्न या मूवमेंट एजुकेशन के नाम से जानते हैं। आप जानते होंगे इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो मॉडर्न जो हमारा एरा चल रहा है इसमें हम फिजिकल एजुकेशन को मूवमेंट एजुकेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, मेरे बुक में भी ये चीज दिया हुआ है कि पहले फिजिकल एजुकेशन का नाम क्या था, पहले जिम्नास्टिक नाम से आया, उसके बाद उसका नाम चेंज हुआ, फिर फिजिकल ट्रेनिंग, फिजिकल इंस्ट्रक्टर, इस तरीके से नाम चेंज होता गया। एक क्वेश्चन आपको डेफिनेशन से भी देखने को मिल सकता है, लेकिन डेफिनेशन बहुत अच्छे क्वालिटी के होंगे, वैसा डेफिनेशन नहीं होगा मोस्टली, वो जल्दी आपको पॉपुलर डेफिनेशन देखने को नहीं मिलेगा। जैसे चार्ल्स ए बुकर है, जेबी नेस है, इन सब के डेफिनेशन आपने देखा होगा कि काफी पॉपुलर है और लोग इनको पढ़ लेते हैं। बट मैं इसको बारे में आपको दिखाना चाहता हूँ कि जैसे देखिए यहाँ पर मैं आपको नवोदय 2022 का पेपर लेकर आया हूँ, तो नवोदय 2022 के पेपर में, नवोदय 2022 के पेपर में देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पेपर में जब आया था क्वेश्चन यही आपका सेम पैटर्न था। तो देखिए क्या चीजों को सामने रखा था, तो देखिए यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर सेड अबाउट द बॉडी दैट अ गुड सर्वेंट ऑफ रवस्ट एंड हेल्दी इन ऑर्डर टू ओबे मास्टर्स। तो इस तरह का एक क्वेश्चन आपको पहले तो मीनिंग एंड डेफिनेशन से मिलेगा, जरूर मिलेगा। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन जो होगा यहाँ से अब हम आते हैं अपने सिलेबस पे। तो दूसरा जो मेरा हमारा सिलेबस में आता है वो आता है आपका एम एंड ऑब्जेक्टिव। तो एक क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव से आएगा और ऑब्जेक्टिव आपका बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्टिव दे रखा है, तो जितने भी ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं वहां से क्वेश्चन आपके आएंगे। अब ऑब्जेक्टिव कैसे वाला क्वेश्चन आएगा ये भी मैं आपको बता दूं कि जो ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन आएगा ना वो कैसे आएगा। ठीक है, समझिएगा ध्यान से इसको कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे मान लीजिए कि किसी ने चार पांच ऑब्जेक्टिव दिया है, जैसे जेबी नेस ने पांच ऑब्जेक्टिव बताया है, ऑर्गेनिक डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट है ना, तो उसी में क्या करेगा कि एक दो ऑप्शन आपको अलग से डाल देगा। मैं एक क्वेश्चन बना के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, देखिएगा आप कैसे ये क्वेश्चन, देखिए ये मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट में आया था, तो देखिए ये वाला क्वेश्चन मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए ये क्वेश्चन नवोदय में दे चुका है, तो देखिए कैसे आया है क्वेश्चन। अब इसने बताया था ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन इंडिकेटेड बाय वन ऑफ द ऑथर्स, तो ये ऑथर्स ने चार, इसमें से कोई चार ऐसे ऑथर हैं जो चारों ऊपर दिए गए हैं, इन्होंने ये बताया हुआ है ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो बताना है कि चारों किसने बताया था अपने ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन में। तो ऑफर थे क्लार्क है, कोवेलन स्क्वैन है, ठीक है, या द नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, इन्होंने दिया। तो समझ में आ रही बात, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, या फिर इसमें से जैसे ऐसे इन्होंने दे दिया, एक एक इसमें से और ऐड कर देगा, एक और क्या ऐड कर देगा मैं भी यह बता दूं आपको, जैसे यहाँ पे दे दिया आपका, यहाँ पर आपका दे दिया हमने ई ऑप्शन दे दिया कि सोशल डेवलपमेंट। अब आपसे पूछेगा कि कौन सा ऑब्जेक्टिव इनमें से कोवेल एंड स्वान के द्वारा नहीं दिया गया है, ठीक है, नहीं दिया गया है। अब ऑप्शन आ गया आपका, जैसे वह दिया गया है ऐसे पूछ दे कि कौन सा इसमें से ऑब्जेक्टिव, विच वन ऑफ द
ऑब्जेक्टिव गिवन बाय द कोवेल एंड स्वान। तो आप लोग जितना भी मतलब फेमस राइटर, इनके जो ऑब्जेक्टिव इन्होंने अलग अलग पार्ट में दिए हैं उनको जरूर देख लीजिएगा। तो अब क्या हो गया, ऑप्शन देखिए कैसे होगा, ऑप्शन ऐसे होगा ए बी सी डी ए ई ऐसे करके, समझ रहे हैं बात को। ऑप्शन नंबर बी ऐसे होगा, सी ऑप्शन कैसे होगा, सी ए ठीक है ई, इस तरीके से ऑप्शन आएगा। आपको छांटना होगा कि कौन सा इसमें से गलत है, उसको काट के इस तरह के ऑप्शन वाले क्वेश्चन से आएंगे, ठीक है। तो इसको जरूर आप ध्यान दीजिएगा। तो एक दो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, अभी दो क्वेश्चन मैंने कौन से बताए आपको, दो क्वेश्चन मैंने बताया कि एक क्वेश्चन तो आपका डेफिनेशन और मीनिंग से हो जाएगा, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से हो जाएगा, ठीक है। ठीक इसी में से ही आपका नीड एंड इम्पोर्टेंस वाला भी, ये सारा पूरा मतलब इसी में से आ जाएगा, बहुत दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा आप कि इसके अलावा एक ऑब्जेक्टिव आपने फिजिकल एजुकेशन का पढ़ा होगा, कॉग्निटिव डोमेन पढ़ा है, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, है ना, और क्या होता है, साइकोमोटर डोमेन, पी से होगा साइकोमोटर डोमेन, ठीक है। तो अब क्या करना है इसमें, अब आपसे ये पूछ सकता है कि साइकोमोटर डोमेन का मतलब क्या है। देखिए यहां पर एग्जांपल पूछा होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन का मोस्ट एप्रोप्रिएट कॉन्सेप्ट कौन सा होता है, एजुकेशन फॉर फिजिक, एजुकेशन थ्रू फिजिक, लर्निंग टू मूव या अंडरस्टैंडिंग टू फिजिकल लिटरेसी। तो देखिए इस तरीके से आपको काटना है, एजुकेशन थ्रू फिजिक, फिजिक के द्वारा एजुकेशन कराना ही क्या है, यही फिजिकल एजुकेशन है, या मूवमेंट एजुकेशन ही क्या है, फिजिकल एजुकेशन इस समय मॉडर्न एरा में। तो ये जैसे कॉग्निटिव डोमेन का मतलब क्या होता है, आपको इसका क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट, कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है। देखिए जब भी मेंटली और नॉलेज की बात होगी या मेंटली एनालिसिस की बात होगी, कि कोई ऐसा मतलब वहां पे स्टेटमेंट होगा जो कि मेंटल चीजों को बता रहा है, तो वो कॉग्निटिव के अंदर आता है। अगर आपके बिहेवियर को, जैसे आपके बिहेवियर में लव हुआ, अफेक्शन हुआ, या एंग्री हुआ, है ना, एंगर, ये सब जो चीजें बताएगा वो आपका अफेक्टिव डोमेन में जाएगा, है ना। साइकोमोटर डोमेन में क्या आ जाएगा, कोई भी स्किल्स, जैसे आप कोई मूवमेंट करते हो तो, या कोई स्किल्स परफॉर्म करते हो, तो वो किसके तहत होता है, तो साइको मोटर डोमेन के थ्रू होता है। तो इस तरीके से आपको स्टेटमेंट देंगे और बताएंगे कि इनमें से कौन सा साइकोमोटर डोमेन का पार्ट नहीं है। देखते हैं एक क्वेश्चन, देखिए केवीएस में यही पूछा था, आइए आपको दिखाता हूं वो क्वेश्चन क्या है। देखिए यहां पे पूछा हुआ है, ठीक है, द कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, आप इसको देख सकते हैं, ये क्या पूछ रहा है कि कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन का क्या है इसमें से। तो कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया आपको, जैसे एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, हाँ ये कॉग्निटिव में हो सकता है, एबिलिटी टू थिंक ये भी कॉग्निटिव है, इंटरप्रेटिंग ऑफ नॉलेज ये भी कॉग्निटिव में आता है, मस्कुलर फिटनेस ये कॉग्निटिव में मतलब नहीं होता है, बॉडी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये आपका साइकोमोटर डोमेन है, नॉट की कॉग्निटिव है। तो आपका ए बी सी आंसर जो है वो सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, या डायरेक्टली पूछ सकता है, कॉग्निटिव यहाँ पे दिया हुआ है तो हो सकता है कि आपसे वो पूछ ले, साइकोमोटर डोमेन का मतलब वैसे पूछ ले, अभी यहाँ पे कॉग्निटिव का दे दिया वैसे ही साइकोमोटर का देगा, तो साइकोमोटर में देखिए ये वाला ई वाला पॉइंट सबसे करेक्ट होगा। अब ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमने आपको ट्रिक्स बताया है, ट्रिक्स ये बताया कि पहले आप स्टेटमेंट पढ़िए और इन पांचों में सबसे पहले आप ये एग्री हो जाइए, कॉन्फिडेंट हो जाइए कि सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है। अगर आपको कोई बीच का लगता है, आप नहीं एनालाइज कर पा रहे हैं, तो इन पांचों में सबसे पहले आप ये बताइए कि कौन सा आपको परफेक्ट लगता है, कि जो इसको डिफाइन कर रहा है, तो उसको आप लेकर फिर यहाँ पे देखिए कि ई वाला पॉइंट, जैसे मैंने यहाँ पढ़ा कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव, मान लीजिए मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन मुझे साइकोमोटर डोमेन के बारे में पता था, तो बॉडी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसके अंदर आता है, साइकोमोटर के अंदर आता है। साइकोमोटर का मतलब क्या होता है, न्यूरो मस्कुलर, नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम के बीच जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो हमारा कोई भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं होगा, वही हमारा साइकोमोटर डोमेन होता है। तो आजकल नए कॉन्सेप्ट से ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं, अभी मैं एक एक क्वेश्चन पे आपको थोड़ा सा बताऊंगा, ठीक है।
तो इस चीज को आप देख लीजिएगा, क्वेश्चंस ऐसे आने के चांसेस है। तो जैसे बॉडी कंट्रोल मुझे पता है कि कॉग्निटिव में नहीं आता, ये साइको मोटर का है, तो मैंने ई को जहां जहां ई है मैंने उस ऑप्शन को काट दिया। अब ये ऑप्शन हमारा कट गया, ठीक है, और कहां है तो एक ही जगह ऑप्शन था। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, एरर को डिडक्ट करिए, जो आपको लगता है कि ये ज्वाइन बिल्कुल नहीं हो सकता। मस्कुलर फिटनेस का कॉग्निटर से कोई मतलब नहीं है, तो जहां जहां डी है उसको भी काट दीजिए। तो मैंने सी को भी काट दिया, डी को भी काट दिया, ए सी डी काट दिया, तो ऑप्शन कौन सा बचा, ए बी सी बचा, तो इसको हम ऑप्शन ले जाएंगे। इस क्वेश्चन को करने का एक यही तरीका है मात्र। आप चाहेंगे कि ये आपने इतना पढ़ लिया, इतना आपको थिंकिंग हो गई है कि आप मतलब डायरेक्टली पढ़कर डायरेक्ट आंसर दे देंगे, तो इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। बहुत टाइम इंगेजिंग होगा, आपके एग्जाम में पता चलता है कि आपके कई सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो यू आर आप अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हो, तो इस चीज पे भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। किसी को और कुछ पूछना है या बोलना है? आगे बढ़े। यस सर। निश्चित है कि जो लोग इस क्लास को देखेंगे, मैं बता दूं, उनको एक आइडिया मिलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन हमें करने चाहिए, ठीक है। ये बहुत जरूरी है। ठीक है, ये जरूर आपको मिलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमें करने चाहिए। आइए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, एक मिनट, कि अगला क्वेश्चन कैसे पूछेगा। देखिए पहले दो क्वेश्चन तो आपको यहां से मिल गए हैं, एक मीनिंग डेफिनेशंस को पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और वैसे पढ़िएगा जो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो और थ्योरेटिकल बेस्ड पे ज्यादा हो, ठीक है। बस एक मिनट का टाइम दीजिए, इसमें थोड़ा सा कुछ लग रहा है। ये है कि आपके सामने ये यहाँ पे ये रहा, ठीक है। तो पहला हमने आपको टॉपिक बता दिया कि पहले टॉपिक आपको कहाँ से मिलेगा, तो एक मीनिंग डेफिनेशन से क्वेश्चन होगा, एक ऑब्जेक्टिव से होगा। ऑब्जेक्टिव में दो प्रकार के ऑब्जेक्टिव, जो ही बताया था ना आपको, कॉग्निटिव डोमेन से हो सकता है या तीनों के बारे में पूछ सकता है, कौन सा इसमें से नहीं है, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। फिर अगला क्वेश्चन आपको मस्कुलर सिस्टम से देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर क्या है, फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, या फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल का मतलब होगा कि जो भी आपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी में चीजें पढ़ी है वहां से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो मस्कुलर सिस्टम में जो भी मसल्स है, मसल्स के बारे में पूरी जानकारी, मतलब थोड़ी सी आपको होनी चाहिए कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के बारे में भी थोड़ा बहुत आप जानिए, क्योंकि क्वेश्चन अगर थोड़ा सा तो आप उसमें ना कन्फ्यूज जाते हो। नारी बात, तो मस्कुलर सिस्टम से मसल्स के बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे मैं एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कि देखिए केवीएस में कैसे क्वेश्चन पूछा था यहाँ से, ठीक है। तो मस्कुलर सिस्टम जो क्वेश्चन पूछा था, जैसे उसने पूछ दिया था आपका केवीएस में, क्योंकि केवीएस के पैटर्न पे ही क्वेश्चन होगा, नवोदय के पैटर्न पे, ठीक है। मनप्रीत जी आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। की हो गया?
तो वैस्कुलर सिस्टम से जैसे पूछ सकता है आपका मसल्स में जो मसल्स कॉन्ट्रेक्शन थ्योरी है वो किसने दिया था, या उसके अंदर जो जो रैप होता है मसल्स के, जो लेयर होते हैं जैसे ईपी माइसियम, इंडो माइसियम है ना, पैरी माइसियम, उनके बारे में पूछ सकता है कि, और हो सकता है कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस दे दे, ठीक है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा आप, या मसल्स में और जो टाइप्स ऑफ मसल्स होते हैं आपके, वॉलंटरी इनवॉलंटरी, तो थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस दे सकता है। थ्योरेटिकल टाइप का मतलब ये हुआ कि जैसे ए स्टेटमेंट, बी स्टेटमेंट, सी स्टेटमेंट, डी स्टेटमेंट, ई स्टेटमेंट, चार पांच स्टेटमेंट दे दिया और बोला कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है या कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट नहीं है। ऑप्शन कैसे दे सकता है आपको, ए बी सी सही है, सी डी ई सही है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको थ्योरी का नॉलेज इसका बढ़िया होना चाहिए। सर्कुलेटरी सिस्टम से एक क्वेश्चन आएगा, रेस्पिरेटरी से लगभग एक दो क्वेश्चन आएगा, सर्कुलेटरी में आपका बहुत सारा क्वेश्चन बन जाता है, तो इनके भी बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थ्योरी आपका बहुत अच्छा होना चाहिए एकदम। देखिए इसी सीक्वेंस में क्वेश्चंस आपके आएंगे, डायसी सिस्टम से क्वेश्चन आ जाएगा आपका, ठीक है, एक दो दो क्वेश्चन सबके यहाँ से, एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। इसके बाद बात करते हैं साइकोलॉजी में, साइकोलॉजी के क्वेश्चन आपके आएंगे, जैसे अचीवमेंट मोटिवेशन से क्वेश्चन आपको दो तीन देखने को मिलेंगे, स्पोर्ट्समैनशिप देखने को मिलेंगे, पर्सनैलिटी से दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, स्पोर्ट्स एथिक्स से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आप देखना चाहते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से मिलेंगे? अगर आप ये देखना चाहते हैं क्वेश्चंस किस प्रकार के मिलेंगे तो भी मैं आपको वो दिखा सकता हूँ, ठीक है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि क्वेश्चन जो होंगे देखिए कैसे होंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट। अब देखिए यहाँ पर मसल का क्वेश्चन पूछा है, इंडोमाइजियम रैप्स द इंडिविजुअल मसल फाइबर्स, क्या इंडिविजुअल मसल फाइबर्स को इंडोमाइजियम रैप करता है मतलब घेरे रहता है, या पेरीमाइजियम रैप्स बंडल ऑफ फाइबर्स, पेरीमाइजियम रैप्स, तो इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब इसमें से देखिए ऑप्शन कैसे आपके सामने आ रहे हैं, ए बी डी सही है, ए सी ई सही है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए थोड़ा सा अच्छा थ्योरी नॉलेज रखिएगा। देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है कि वही एनर्जी सिस्टम से क्वेश्चन दे दिया है कि इन एनारोबिक रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू द एसिड थ्रू मल्टीपल स्टेप्स, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए अभी मैं आपको सिलेबस दिखाया और सिलेबस का एनालिसिस करके आपको केवीएस का क्वेश्चन बता रहा हूँ कि देखिए केवीएस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो जरूर इनको आप फॉलो करिएगा और इनको देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है जो बता रहा हूँ, क्योंकि आप ये मत समझिएगा कि पेपर बहुत ही इजी वे में आएगा, पेपर इजी वे में नहीं होगा, ठीक है, पेपर हमेशा अच्छा लेवल पे होगा, क्योंकि अभी आपने बीपीएससी का पेपर और उसके बाद जो लोगों ने एस्टेट का पेपर देखा होगा उन्हें नजर लग गया है कि फिजिकल एजुकेशन का जो पेपर है अब उसको इजी वे में हम नहीं रख सकते हैं, हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा कि हमें, ठीक है, हमें उसको करना पड़ेगा। सर बीपीएससी का कट ऑफ कितना जाएगा सर? अभी बीपीएससी कट ऑफ देखिए 75 के ऊपर जो है वो मुझे लग रहा है सेफ है अभी तक का, जो मतलब पता चला है, जो बच्चों से बातचीत होने पर जो मालूम हुआ है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। देखिए इस तरह से क्वेश्चंस आपको मिले, देखा भी आपने क्वेश्चंस है ना, देखिए यहाँ पर आपको मिला विच ऑफ द डज नॉट इम्पिटी इन टू द राइट आर्टेरियम, देखिए आया ना सर्कुलेटरी सिस्टम क्वेश्चन, दो क्वेश्चन यहाँ आपको दिया किससे, मसल से दिया, मसल्स के बाद क्या था, सर्कुलेटरी सिस्टम का, देखिए यहाँ क्वेश्चन दे दिया सर्कुलेटरी सिस्टम का एक कि कौन सा इसमें से इम्पटी इन टू द राइट आर्ट्रियम, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन से केवीएस का क्वेश्चन से आपका विच ऑफ, और इसका मैंने आपको दिया हुआ सारा आंसर के साथ। देखिए फिर एक क्वेश्चन आपको दे दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, करेक्ट कौन सा नहीं आपको ये बताना है, ठीक है। अब इसमें बोल दिया देखिए कि आर्टरी वेंट्रिकुलर वॉल्व, ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है ना, ये सबके बारे में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए कि करेक्ट ऑफ हार्ट, हार्ट से देखिए एक क्वेश्चन और पूछ दिया, दो क्वेश्चन यहाँ से आ गया। इसके बाद देखिए डाइजेशन से पूछ दिया, डाइजेशन में पाचन क्रिया में ग्लूकोज विखंडित होता है तो ग्लूकोज किसमें बदलता है आपको ये बताना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, देखिए साइकोलॉजिकल, अब देखिए इसके बाद जैसे ये खत्म होता है आपने सिलेबस देखा, देखिए सिलेबस में आपको दिखा दूं
जैसे सिस्टम में सिलेबस खत्म हुआ, इसके बाद कौन सा टॉपिक स्टार्ट हो गया, साइकोलॉजिकल। तो देखिए साइकोलॉजी से क्वेश्चन पूछ दिया, अचीवमेंट देखिए, इसके बाद मोटिवेशन से क्वेश्चन पूछेगा। अब देखिए क्वेश्चन खाली, तो इसी पैटर्न पे क्वेश्चन बनेगा। देखिएगा, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द ड्राइव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो मोटिवेशन की थ्योरी जिन्होंने दी है उनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन कितने हैं और किन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है ना कि जैसे स्टेटमेंट ये दे दिया, अब इसको पढ़कर बताना है कि कौन सा सही है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए देखिए, इसे पूछा है कि लव फॉर एक्टिविटी इज इंट्रेंसिक मोटिवेशन। एक्टिविटी के लिए मतलब हमेशा तत्पर रहना, ये आपका इंट्रेंसिक मोटिवेशन होता है जी। नेक्स्ट है मॉनेटरी गेन इज एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो इस तरीके से आपको देगा, है ना। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ के जाना है। फिर यहाँ पे दे दिया है क्वेश्चन आपका, अब आपका स्पोर्ट ट्रेनिंग का क्वेश्चन आ जाएगा। अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट हो जाएगा फिजिकल फिटनेस वेलनेस और स्पोर्ट ट्रेनिंग या ट्रेनिंग मेथड्स। देखिए यहीं पे क्वेश्चन आपका ट्रेनिंग मेथड से दे दिया, जिसमें आपका स्पोर्ट ट्रेनिंग आ जाएगा, मीनिंग कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग, लिमरिंग डाउन एंड देयर इंपॉर्टेंस, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, मेथड्स ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट, आइसोमेट्रिकल सेकेंडरी मेथड्स, एंड्योरेंस डेवलपमेंट कंटीन्यूअस। देखिए अब मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, देखिए कैसे आएगा यहाँ से, ठीक है। मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन ये कैसे बन रहे हैं। देखिए सबसे पहले पूछ दिया कि स्पोर्ट ट्रेनिंग का डेफिनेशन ये किसने दिया है। स्पोर्ट ट्रेनिंग इज द बेसिक फॉर्म ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ स्पोर्ट पर्सन। ये किसने दिया है, मैटवी ने, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फिजिकल फिटनेस। देखिए यहाँ पे फिजिकल फिटनेस का क्वेश्चन पूछ दिया कि फिजिकल फिटनेस द सम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइव मोटर एबिलिटीज, जिनमें से पांच मोटर एबिलिटीज से बनकर हमारा फिजिकल फिटनेस तैयार होता है, वो पांचों बताना है आपको। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द रनिंग ऑफ पैरामीटर्स ऑफ ट्रेनिंग लोड फॉर, देखिए लोड से क्वेश्चन आ गए, है ना। नेक्स्ट हमारा इन इंटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग मेथड इंटेंसिटी रिकवरी एंड वॉल्यूम विल बी। देखिए इस किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, लेवल देखिएगा क्वेश्चन का, तो आपने भी इसी प्रकार से क्वेश्चन की तैयारी करनी है। इन द स्पोर्ट ट्रेनिंग मैक्रो साइकिल एंड माइक्रो साइकिल, देखिए सारा स्पोर्ट ट्रेनिंग से भी 5-10 क्वेश्चन चलेगा, इसके बाद फिर टॉपिक चेंज हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग, इनमें से कौन सा स्पोर्ट ट्रेनिंग का प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है। या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग इन परफॉर्मेंस एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन होता है, प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव स्पेशलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ साइकिल सिटी, प्रिंसिपल ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग, ये अभी नहीं होता, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ इस तरह क्वेश्चन आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, स्टैटिक स्ट्रेंथ, देखिए सारे क्वेश्चन आपको पूछा है स्पोर्ट ट्रेनिंग के, है ना। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे देखिए, ये भी आपका ट्रेनिंग का क्वेश्चन है कि इंटेंसिटी कैसा होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट मेथड ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, इन डायनेमिक कंसेंट्रिक मेथड हैवी रेजिस्टेंस इज ओवरकम, ठीक है। तो देखिए किस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, इस चीज को आप देखिएगा। और इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल्स, तो ऐसे क्वेश्चंस पर एक बार जरूर नजर मार लीजिएगा, पुराने पेपर जो आपके पास केवीएस, नवोदय और DSSSB के हैं, इन तीनों पेपर को मिलाकर जो अभी तक जितने पेपर हुए हैं सबको पढ़ लीजिएगा। अब आपके दिमाग में बात आएगी कि सर पेपर सारा फिजिकल का मिलेगा कहाँ, तो ये पेपर मिलेगा मुझसे, ठीक है। मेरे पास सारे पेपर्स हैं, मैं एक एक करके ग्रुप में भेज भी रहा हूँ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट फार्टलिक ट्रेनिंग मेथड, देखिए जैसे ये वाला हमारा कंप्लीट हो जाएगा, अगला देखिएगा आप कैसे शुरू हो जाएगा दूसरा टॉपिक। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड फ्लेक्सिबिलिटी से, देखिए क्वेश्चन दे दिया, ड्यूरिंग लॉन्ग टाइम एंड्योरेंस फॉर द 10 to 35 minutes, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कार्बोहाइड्रेट लोडिंग, ठीक है। फिर यहाँ पूछा दर्द मेरा ग्रुप डायनेमिक्स, अब देखिए वही में उसी में आपका क्या आ जाएगा, स्पोर्ट्समैनशिप आ जाएगा और सोशलाइजेशन प्रोसेस ऑफ फिजिकल एजुकेशन आ जाएगा, इथिक्स, स्पोर्ट्स इथिक्स और लीडरशिप वगैरह। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ड्यूटीज ऑफ गुड लीडर, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में करना है। नेक्स्ट हमारा द साइंटिफिक मेजरमेंट ऑफ सोशल रिलेशनशिप इन द एंशिएंट ओलंपिक पेंटाथलॉन, अब देखिए आपका क्वेश्चन आ जाएगा कहाँ से। अगला हम टॉपिक एक बार देख लेते हैं, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया था ट्रेनिंग वाला, ट्रेनिंग के बाद देखिए सोशियोलॉजी वाला पार्ट आया था, तो देखिए सोशियोलॉजी से क्वेश्चन दिया है आपका, फिर गेम्स एंड स्पोर्ट्स एज अ कल्चरल हेरिटेज, है ना, फिर लीडरशिप से क्वेश्चन था, अभी आपने देखा कि नहीं देखा, ग्रुप डायनेमिक्स से क्वेश्चन देखा कि नहीं देखा, तो ये वाला टॉपिक आपका शुरू हो जाएगा। जैसे ये आपका टॉपिक में 2-3-4 क्वेश्चन यहाँ से इस टॉपिक से 4 क्वेश्चन आएगा, सबसे अधिक क्वेश्चन देखिए आपको ट्रेनिंग और ये फिटनेस वाले से मिलेगा, कम से कम 10 क्वेश्चन दोनों मिलाकर आएंगे, है ना, ट्रेनिंग मेथड से और फिजिकल फिटनेस और वेलनेस से। वेलनेस में जैसे आप पढ़ लीजिएगा कि जो टाइप्स ऑफ वेलनेस होते हैं,
इनके जो टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस क्या होता है। अब फिजिकल फिटनेस में एक होता है हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस और एक होता है परफॉर्मेंस रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। उन दोनों के कंपोनेंट्स अलग होने चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये आएगा। इसके बाद देखिए अब आपका जो पार्ट बी शुरू होता है, यहाँ से गेम शुरू हो जाएंगे। पहले आपके मेजर गेम्स होंगे, मेजर गेम्स में सबसे पहले एथलेटिक्स से क्वेश्चन ज्यादा होगा, है ना। उस गेम के हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेटेस्ट उसके रूल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसके मेजरमेंट से क्वेश्चन हो सकता है, प्ले फील्ड का देखिए यहाँ लिखा हुआ प्ले फील्ड का है, कुछ स्पेसिफिकेशन पूछे जा सकते हैं, इसके इक्विपमेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इक्विपमेंट की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, फंडामेंटल स्किल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, है ना। तो ये आपके टर्मोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये टर्म किसमें यूज होता है, है ना। स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज कौन कौन से हैं, उसके वेन्यूज कौन कौन से होते हैं, स्पोर्ट्स अवार्ड कौन कौन से मिला है। तो ये क्वेश्चन आपको मेजर गेम्स मैं बता दूं, मेजर गेम्स 7 मेजर गेम्स आप याद रखिएगा। सबसे पहले एथलेटिक्स है, फिर हॉकी है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है ना, इन सबसे क्वेश्चन, बास्केटबॉल है, हैंडबॉल है, खो खो है, इस तरह से मतलब मेजर गेम जो मोस्टली ज्यादातर पूछे जाते हैं जो क्वेश्चन, वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए जहां ये आपका गेम्स का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, वहां से देखिएगा आपका हेल्थ एजुकेशन का क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। अब आपको मैं दिखा दूं क्वेश्चंस पेपर में भी सेम यही चीज, देखिए यहाँ पे पूछा पहले कि डेकाथलान में आपका डेकाथलान में मेन के इवेंट आपको बताने हैं कि पहले दिन तीसरा इवेंट कौन सा। देखिए उसको भी आपने इजिली नहीं दिया हुआ है कि स्टैटिक फॉर्म में क्वेश्चन दे दिया, स्टैटिक फॉर्म में क्वेश्चन नहीं है। आप ये क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब आपको इसमें एक करेक्ट आंसर को काटना है 100% श्योरिटी के साथ, वो ऑप्शन आपके पास ये रहे कि वो नहीं हो सकता है, उसी को बेस बनाकर आप ऑप्शन को काटिए कि वो कौन से ऑप्शन में वो वाला ऑप्शन नहीं है, तभी आप इसको कर पाएंगे, नहीं तो अन्यथा आप हमेशा गलत करते रहेंगे ऐसे क्वेश्चन में और कंफ्यूज होते रहेंगे। देखिए फिर यहाँ पर आपका देखिए रिले टीम से पूछा, एथलेटिक क्वेश्चन पूछा दो, देखिए फिर यहाँ पे एथलेटिक से क्वेश्चन पूछ दिया, लॉन्ग जंप का पूछ दिया मेजरमेंट से क्वेश्चन, फिर देखिए शॉर्ट पुट का पूछ दिया मेजरमेंट, फिर यहाँ बैडमिंटन, देखिए ये बैडमिंटन ये भी है, मतलब मेजर गेम्स आपको रखना है, जिमनास्टिक भी है आपका, ये सब क्वेश्चंस आप जरूर देखिएगा, ठीक है। जूडो से भी पूछ दिया है क्वेश्चंस आपका, है ना, टेबल टेनिस से भी पूछ दिया आपका, रेसलिंग से क्वेश्चन पूछ दिया आपका, बास्केटबॉल से पूछ दिया, अब 10 क्वेश्चन आपको इसी से मिलेगा। क्रिकेट से देखिए पूछ दिया आपको, फुटबॉल से देखिए पूछ दिया, बताया था फुटबॉल का मेजरमेंट और पूछ सकता है, हैंडबॉल देखिए बोले थे आपसे वो पूछ दिया, है ना, कबड्डी देखिए बोला था मैंने उसको पूछ दिया, ठीक है, कबड्डी का पूछा ग्राउंड, ठीक है। इसके बाद देखिए ये भी पूछ दिया, वॉलीबॉल से भी पूछ दिया आपका एक क्वेश्चन, ठीक है, बोला था वॉलीबॉल भी से भी क्वेश्चन आता है। अब देखिए यहाँ पे ये भी पूछ दिया आपका ड्यूरेशन की, कौन से गेम का ड्यूरेशन कायम सुमिलित कीजिए। अब देखिए स्विमिंग से भी एक क्वेश्चन आपका आ गया, तो लगभग सारे गेम जो आपको लग रहा है इसमें जो दिए हैं सबसे एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा पूरा थ्योरी अच्छे से। अब देखिए जैसे ही गेम हमारा खत्म होता है तो अगला आपने टॉपिक क्या देखा था बताइए, क्या देखा था टॉपिक आपने, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, क्या हुआ, यस सर, मेरा बात समझ में आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूं, जी सर। एक बार अपना आप क्या करिए ना कि ये जो सिलेबस उठाइए, सिलेबस में जो टॉपिक दिया हुआ उस टॉपिक को डालिए और उसके पीछे क्या लिखेंगे आप, केवीएस एमसीक्यू या केवीएस पीवाईक्यूज, इस टॉपिक से संबंधित अगर केवीएस से क्वेश्चन पूछे गए होंगे तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, और नहीं तो पेपर में खोज के इनको करिए, समझ गए बात को, जी सर, बहुत आपको हेल्प मिलेगा। देखिए जैसे मैंने बोला था गेम्स खत्म हो जाएगा फिर कौन सा टॉपिक शुरू करेगा क्वेश्चन, हेल्थ एजुकेशन से करेगा, और आपके सामने देखिए क्वेश्चन आया हेल्थ एजुकेशन से। देखिए यहाँ पे स्विमिंग खत्म हो गया, यहाँ पूछने लगा ना, हु हैज डिफाइंड द हेल्थ एज अ, हेल्थ इज द क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट इनेबल्स द इंडिविजुअल टू लाइव मोस्ट एंड सर्व बेस्ट, दिया क्वेश्चन आ गया पहले। उसके बाद पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ, तो स्पिरिचुअल हेल्थ कोई भी हेल्थ नहीं होती है क्योंकि धार्मिक संबंधित होता है, फिजिकल हेल्थ फिटनेस या मेंटल हेल्थ हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे फिटनेस को आंसर मानेगा कि फिटनेस हेल्थ, ठीक है। इस तरीके से देखिए यहाँ पर ये भी बोला है कि विच फेवरेली इन्फ्लुएंस द हैबिट्स एटीट्यूड नॉलेज रिलेटिंग टू इंडिविजुअल कम्युनिटी एंड सोशल हेल्थ। अब देखिए यहाँ पे सोशल एंड कम्युनिटी हेल्थ ये वाला थोड़ा सा चक्कर फंसता है, कुछ बच्चे
मैसेज करते हैं कि सर हमें ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं मिल रहा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड ऑब्जेक्टिव या हेल्थ एजुकेशन का होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन होता है, कम्युनिटी हेल्थ पार्टिसिपेशन एंड प्रमोशन वेलफेयर, वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल फैमिली एंड कम्युनिटी। तो मेरी बुक में ये आपको दिया गया है, मैंने फैमिली एंड इंडिविजुअल हेल्थ और कम्युनिटी हेल्थ और हेल्थ प्रमोशन के बारे में बताया हुआ है, जिन्होंने देखा होगा वो देख सकते हैं, हेल्थ एजुकेशन के चैप्टर्स में लास्ट में मैंने ये सारा टॉपिक दिया हुआ है ना। तो ये देखिए ये दो दो क्वेश्चन कम से कम आएगा, हेल्थ एजुकेशन भी एक बड़ा टॉपिक है और कम से कम 8 क्वेश्चन यहाँ से 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को। तो मीनिंग ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज देख लीजिएगा, कितने टाइप से कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, वायरस से, फंगी से, बैक्टीरिया से, जितने भी हैं सब आप इसके हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। एसेंशियल कंडीशन फॉर कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है, सारे आप देख लीजिएगा, डिजीज के से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको बनेंगे। तो उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे फैलते हैं, जैसे एड्स से क्वेश्चन आपको 2 मिलता है, हेपेटाइटिस से भी क्वेश्चन मिलेगा, हेपेटाइटिस सी से भी क्वेश्चंस मिलेगा। देखिए इसी के आधार पर ही आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, ठीक है, इसी के आधार पर ही आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ था वही एड्स वगैरह, हेपेटाइटिस। अब आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, देखिए क्वेश्चंस कैसे आएंगे। देखिए यहाँ पर ये हाइजिया वर्ड हाइजीनियस ग्रीक का दिया हुआ है। ट्यूबरक्लोसिस, देखिए यहाँ पर आपका कम्युनिकेबल डिजीज से क्वेश्चन आ गया। द कोर प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंटल वेलनेस, यहाँ क्वेश्चन आ गया। एड्स से क्वेश्चन आपको देखने को मिला, बोला था कि एड्स से क्वेश्चन आएगा, देखिए यहाँ पर आया। एड्स का कारण क्या है तो ये आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्किन इंजरी, यहाँ पे इंजरी से क्वेश्चन आ गया आपका, इसी में आपका इंजरी भी डाल दिए हैं। द फर्स्ट केस ऑफ एड्स वॉज रिपोर्टेड इन द ईयर, है ना, ये क्वेश्चंस आ गए एड्स के, आ गए आपके। हेपेटाइटिस के देखिए क्वेश्चंस आया, वहां पे दिया था हेपेटाइटिस ए और बी, सारा क्वेश्चंस आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग था। बट ये प्रॉब्लम होती है कि हम लोग चाहे केवीएस का एग्जाम दे, नवोदय का एग्जाम दे, हम लोग कभी भी सिलेबस को उठा के रिव्यू नहीं करते हैं या उस हिसाब से थ्योरी को नहीं पढ़ते हैं। मैं सच बता दूं आपको, ये जो फालतू की किताबें मार्केट में आ रखी हैं, ये इन्होंने आपका हाथ पैर तोड़ दिया, आपके समझने की समझ को तोड़ दिया है। आप समझने में ना, आपको लगता है कि आपने 10 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन का आंसर आप फटफट लगा लेते हो रट के, तो आपको लगता है कि आपको बहुत कुछ आ गया, आपने फिजिकल एजुकेशन में महानता हासिल कर ली। ऐसे नहीं होगा सिलेक्शन, ठीक है, सिलेक्शन का लेवल अब अलग हो चुका है। तो आपने कॉन्सेप्ट अच्छा रखना है, पहले तो बात ये जानिए, और कॉन्सेप्ट अच्छा तभी होगा जब आप कई सारे अच्छी किताबों से थ्योरी को पढ़ के कॉन्सेप्ट को समझोगे, ठीक है, ताकि जब ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप इन क्वेश्चन को करने में दिक्कत महसूस ना करो। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मुंह बन जाता है वैसे लोगों का जो स्टैटिक क्वेश्चन फॉर्म में लगाना कोशिश करते हैं, एकदम मैं देखता हूँ दिन भर जुड़े रहते हैं और वही क्वेश्चन खाली रिपीट हो रहा है, इतनी बार रिपीट हमारे आंखों के सामने हो जाता है कि उसको हम रट लेते हैं। और वही क्वेश्चन का लेवल सब लोग चलाता है, हर जगह यूट्यूब चैनल पे और किसी भी कोचिंग सेंटर में देख रहा हूँ खाली वही लेवल जा रहा है। इस लेवल पे कितने लोगों ने पेपर दिया, किस कोचिंग वाले ने इस लेवल पे पेपर कराया है आप मुझे बताइए, पूरे फिजिकल एजुकेशन में किसने इस लेवल का क्वेश्चन नया बनाकर आपको बताया है? किसी ने नहीं बताया, ना कभी कराया है इस प्रकार का क्वेश्चन, किसी ने कराया है? नहीं कराया है। और आप करके जाते हो स्टैटिक क्वेश्चन, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मुंह बन जाता है फिर हमारा कि हम तो कर ही नहीं पा रहे हैं, वहां पे सर पकड़ लेते हैं, एग्जाम में समझ में नहीं आता है कैसे करें इन क्वेश्चंस को। तो फालतू की चीजों को छोड़ दीजिए, देखिए कम्युनिकेबल डिजीज से क्वेश्चन पूछा है, बताया था कम्युनिकेबल डिजीज से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा आपका क्वेश्चन जो पूछा है एनवायरमेंटल हजार्ड से पूछा हुआ है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है। आप बोलेंगे सर ये क्वेश्चन तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, हम लोग फिजिकल में नहीं पढ़ाया गया है। तो फिजिकल में इसलिए नहीं पढ़ाया गया है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपके आपने सिलेबस नहीं देखा है। आप बीपीएड के लेवल तैयारी करते हैं, आप सोचते हैं कि एक ही लेवल की तैयारी में यूपी टीजीटी भी निकाल दूं, यूपी एलटी भी निकाल दूं, यूपी चाहे जो भी है हरियाणा का निकाल दूं, इसका निकाल। देखिए हर एग्जाम का लेवल अलग होता है और उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग उसकी तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। तो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग उसकी तैयारी करनी चाहिए, इस चीज को आप जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब यहाँ पे लिखा है कंटेम्प्रेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स, तो यू अब्यूज ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल लेने से क्या प्रॉब्लम होता है, तबैको से क्या होता है, ड्रग्स का इफेक्ट क्या होता है, एक फैमिली पर, उसकी कम्युनिटी पर क्या इफेक्ट होता है ना।
ईटिंग हैबिट्स क्या है, ओबेसिटी क्या होता है, देखिए अब यहाँ से क्वेश्चंस मिलेगा। फिर आया जाएगा हेल्पफुल लिविंग, हेल्पफुल लिविंग में इन्वायरमेंटल वर्क प्लेस इन्वायरमेंट फॉर लेजियर एक्टिविटीज एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ हेल्पफुल इन्वायरमेंट, सेफ वाटर, लो लेवल ऑफ नॉइज, क्लीन एयर, सैनिटरी सराउंडिंग्स, लो लेवल नेबरहुड, ये रूरल एरियाज। अब आप बोलेंगे कि सर ये सब हमें टॉपिक मिलता ही नहीं है तो कहाँ से पढ़ें, ये पता है कि ये सिलेबस कहाँ है, ठीक है, किस किताब में है, आपको जान के बड़ा हैरानी होगी ये सब जो है वो कहाँ पर मिलेगा, बता दूं कहाँ मिलेगा? यस सर जल्दी, ये पुराने या तो फिजिकल एजुकेशन के जो पुराने बुक चलते थे 2005 6 7 8 10 में, वहां के अगर आप ले पाते हैं तो, अगर खोज पाते हैं तो वहां मिलेगा, नहीं तो ये मैंने जो देखा है मैं भी आपको शेयर कर दूंगा, होम साइंस यूपी बोर्ड में जो होम साइंस चलता है या सीबीएसई बोर्ड में जो होम साइंस चलता है वहां के बुक में 11 12 के बुक आप देखिएगा, ठीक है, वहां पर ये सब था, कम्युनिटी हेल्थ वाला जो देखा था मैंने ना, ये टॉपिक मैंने देखा है वहां पे, ठीक है, जो आपका होम साइंस की बुक है 11 12 में सीबीएसई की या मतलब यूपी बोर्ड वाली है, मैं एक्चुअली एक दिन यूपी बोर्ड के स्कूल में पढ़ा रहा था तो होम साइंस की बुक में देखा कई सारे टॉपिक्स ना, मतलब ये मिल रहा था हमारे फिजिकल से, जैसे खासकर मैं बता दूं आपको कि ये वाला टॉपिक जो कम्युनिकेबल डिजीज वाला था, ये वाले टॉपिक यहाँ से हेल्थ एजुकेशन वाला था, कम्युनिकेबल हेल्थ डिजीज था, है ना, ये हेल्थ कंटेम्पररी हेल्थ प्रॉब्लम्स था, ये आपको वहां से मिल रहा था, हेल्पफुल लिविंग वाला था, ये कॉन्सेप्ट मिल रहा था, और फैमिली हेल्थ एजुकेशन भी वहां था उस टॉपिक में, मतलब उस चैप्टर में, और बहुत अच्छे से था वो, मतलब ऐसा टॉपिक जल्दी आपको कहीं मिलेगा नहीं, तो मैंने वहां देखा था, ठीक है, तब से मैंने उसको, बस यही है कि मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं उसको पढ़कर अपनी बुक में करूं, लेकिन ये है कि नेक्स्ट एडिशन जब बुक की आएगी तो ये टॉपिक उसमें कवर रहेगा, मेरे पास बुक है, मैंने ले तो ली थी बट उसको मैं कर नहीं पाया, टाइम ही नहीं मिला, इसलिए उसको इसमें नहीं कर पाया था इंक्लूड, नेक्स्ट टाइम आपको जरूर कोशिश करूंगा कि दे दूं। अब देखिए इसी सबसे क्वेश्चन आपको मिलेगा, देखिए ये क्वेश्चन आप पढ़िएगा ध्यान से, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ओजोन लेयर, अब ओजोन लेयर का हमारा, अब आप पढ़ेंगे कि सर बीपीएड में तुमको पढ़ाया ही नहीं गया था हमने, अब बताइए कभी क्या यूपी किसी एग्जाम में या कहीं और किसी एग्जाम में, चाहे आप कहीं का एग्जाम देते हो, DSSSB का देते हो, तो वहां पे इस सबसे क्वेश्चन बहुत नहीं आते हैं, लेकिन इन्होंने तो भाई अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तो क्वेश्चन बनाया है KVS वालों ने, क्या अलग से बनाया कहीं, देखिए ये वाला भी आप पढ़िए क्वेश्चन, नीचे वाले जितने आप पढ़ेंगे, एसिड रेन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1852, द प्राइमरी कॉजेज ऑफ एसिड रेन एज सल्फर डाइऑक्साइड एंटी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपका किससे आ गया पता है आपको, टोबैको, जो हमने पढ़ा था ना एब्यूज ऑफ टोबैको निकोटीन, तो टोबैको निकोटीन है ना, टोबैको कंटेन निकोटीन एंड एन एवरेज सिगरेट कंटेन 1.5 mg ऑफ निकोटीन, है ना, तो ये क्वेश्चन आया टोबैको से आया, स्मोकिंग से आया, देखिए यहाँ भी वही आएगा, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम्स वाज लॉन्च्ड बाय, देखिए मेरे बुक में ये सब दिया हुआ है आपको, ठीक है, इन सब कुछ चीजों को नहीं दिया लेकिन कुछ चीजें ये सब चीजें उसमें मिलेंगी आपको, ये आप किसी बुक में बताइए फिजिकल एजुकेशन में ये वाला क्वेश्चन मिल जाए आपको इसका आंसर, लेकिन मैंने वहां बताया हुआ है, द नॉइज पॉल्यूशन, देखिए ये आया पॉल्यूशन, देखिए यहाँ पे था, ये देखिएगा सिलेबस, देखिए आप नॉइज पॉल्यूशन है ना, देखिए लेवल्स ऑफ नॉइज, क्लीन एयर, सैनिटरी सराउंडिंग्स, लो लेवल ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशन, अब्सेंस ऑफ हजार्ड्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सीडेंट्स इन, पहला होम एंड नेबरहुड्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, स्कूल एंड वर्क प्लेस ड्यूरिंग, देखिए इसे यही सब क्वेश्चन है ये जो आप कहते हैं ना कि सर पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है KVS वाला, कहीं से नहीं पूछता है, वो पूछता है सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो सिलेबस हम लोग बस दिमाग नहीं रखते हैं, वो सिलेबस हमें लगता है अलग है, देखिए यहीं से पूछा है रिलेटेड ट्रांसपोर्टेशन स्विमिंग वाटर स्पोर्ट डिजास्टर प्रेजेंटेशन, देखिए यहाँ पे ड्यूरिंग डिस्ट्रेस, ठीक है, फैमिली हेल्थ एजुकेशन में देखिए मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ फैमिली एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन नीड्स एंड प्रॉब्लम ऑफ एडोलसेंस, देखिए यहाँ क्वेश्चन आएगा आपको इस टॉपिक से, देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ गया डाइट वगैरह से, ठीक है, सैचुरेटेड फैट्स रिमेंस द रूम टेम्परेचर, यहाँ देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट बिफोर एडोलसेंस, देखिए एडोलसेंस क्वेश्चन आया वहाँ, एडोलसेंस दिया था आपके सामने, आया कि नहीं आया, देखिए नारकोटिक ड्रग्स के बारे में वहाँ पूछा था, आया कि नहीं आया,
एक क्वेश्चन बताइए कि मैंने अपने मन से थोड़ी नए पेपर बनाया, आप पेपर देख सकते हैं, है ना, ऐसा नहीं कि मैंने सेट किया है, ये केवीएस 2023 का पेपर है, क्वेश्चन है, बिटवीन 3 to 5 ईयर चिल्ड्रेन कंटिन्यू, देखिए यहाँ पर आया क्वेश्चन एडोलसेंस वाला, वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला, वहां दिया था, यहाँ पे पूछ दिया, उसी से क्वेश्चन पूछ दिया, एन एवरेज एडल्ट नीड्स हाउ मच प्रोटीन पर डे, आ गया क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन आपके देखिए समर ओलंपिक पीटी उषा है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे टेनिस एल्बो। अब देखिए यहाँ पर अगला टॉपिक आपको दिखा दूं, अगला टॉपिक क्या है हमारा, ये देखिए टीनेजर्स वगैरह था, प्रेगनेंसीज थी, ये मैरिज रोल ऑफ पेरेंट्स, ये सब था, चाइल्ड केयर हो गया। अब इसके बाद अगला टॉपिक हमारा क्या आता है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, स्प्रेन स्ट्रेन, बोन इंजरी, ज्वाइंट इंजरी, फ्रैक्चर्स वगैरह है। देखिए अब अगला क्वेश्चन आपको 5-6 वहीं से मिलेगा, देखिए टेनिस एल्बो पूछा इंजरी, फिर देखिए यहाँ पे पूछा है लड़कियों के लिए, पूछा है यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, क्योंकि वहां पे प्रेगनेंसी वाली बात थी, इसलिए आपको वो लगता है कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। नेक्स्ट है अब कुछ करंट अफेयर क्वेश्चन आपको दे दिया यहाँ पे, बर्मिंघम में 2022 में क्या हुआ था, अविनाश। अब देखिये ये सब जो आपने जा रहे हैं ना पढ़ने, या आप जा रहे हैं एग्जाम देने, तो आप एक बात को कंसिडर करिएगा ध्यान से, और एक बात बता दूं कि सच्ची बात ना हमेशा कड़वी लगेगी सबको, ये जो लोग नौकरी पाने के लिए प्रैक्टिस पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, मैं सच्ची बता रहा हूं आपको, जो लोग हैं ये पीछे रहते हैं इसी कारण से, एक तो पहले तो इनका फर्स्ट पेपर थोड़ा कमजोर होता है, और दूसरा क्या है, बात दरअसल ये है कि तैयारी करने वाले बच्चे अपने आप को इतना होशियार समझ रहे हैं कि कुछ बोल नहीं पाएंगे आप। तो देखिए अब यहीं से आपको क्वेश्चंस में दिखा दूं कि देखिए क्या क्या क्वेश्चंस आपको मिला, जंपर्स नहीं, देखिए आपका क्वेश्चंस है किससे, स्पोर्ट इंजरी से क्वेश्चन है, रोटेटर कफ देखिए है, स्पोर्ट इंजरी क्वेश्चंस है, फ्लूइड फील्ड से स्पोर्ट इंजरी का क्वेश्चन है ना, देखिए द प्योर एयर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन बाय, देखिए ये एनवायरमेंट वाला क्वेश्चन था, एयर ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, थोड़ा बहुत अब क्वेश्चन मिक्स करके दे रहा है, लेकिन पहले आपको वही चीज दे रहा था, ठीक है, थोड़ा बहुत मिक्स करके ऊपर नीचे आपको इन्होंने करके दे दिया है ना, तो आपको फिर दिक्कत नहीं हो रहा है। ये सारी चीजों को मैंने अपने बुक में देखिए, यहाँ हेपेटाइटिस का फिर क्वेश्चन दे दिया है, इसी टॉपिक्स जितने भी क्वेश्चन होंगे, देखिए फिर ओजोन लेयर दे दिया यहाँ पर। अब आप कहेंगे सर ये सब तो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं था, तो फिर कैसे हम इसको करेंगे, है ना, तो ये चीज जो आपके बुक में दिया हुआ है, जो सिलेबस में दिया हुआ है, और मैंने ये सिलेबस ऑलरेडी आप लोगों को वो कर दिया है, शेयर कर दिया है, ठीक है, तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग एक बार प्रैक्टिस पेपर लगा लीजिएगा, लेवल अच्छा रखिएगा, लेवल कमजोर मत रखिएगा, क्योंकि स्टैटिक क्वेश्चंस कम है, ठीक है। मैं आपको अभी से थोड़ा सा एक अंदाजा बता दूं कि जो अब ये तो सिर्फ मैंने केवीएस का रिव्यू किया है, अगर आप मेरा ये वाला रिव्यू देखेंगे, ठीक है, तो आप अगर ये वाला रिव्यू मेरा देख लेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा इसका कि किस तरीके से आपको ये करना है। ठीक है, तो आगे और भी कुछ चीजों को बता दूं, अभी तो मैंने सिर्फ आपको केवीएस पेपर दिखाया था, नवोदय का भी आप जब देखेंगे बुक उठा के आप देख लीजिएगा, अगर आपके पास पेपर है तो सेम आपको यही पैटर्न देखने को मिलेगा, इसमें कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, ये मान सकते हैं कि हो सकता है कि थोड़ा बहुत पेपर का लेवल जो हमने केवीएस 2023 दिया था, इससे थोड़ा सा डिफरेंस मतलब लो में हो सकता है, हाई तो नहीं जाएगा, हल्का फुल्का लो हो सकता है, बट आप ये मान के चलिए, तैयारी ये करके चलिए कि आपको केवीएस 2023 का पेपर देना है, क्योंकि लेवल आपका सेम होगा, क्योंकि दोनों ही पेपर और दोनों ही एग्जाम कंडक्ट कराती है सीबीएसई।
ठीक है, और सीबीएसई आपने देख लिया कि किस तरह का बोर्ड है और किस तरह का पेपर आपको देगी, ठीक है। आपने देख लिया कि सीबीएसई हमें किस प्रकार का पेपर देगी, ये देखिए हमने मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर उठाया था और देखिए वहां पर भी आपके सामने देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस किस तरह से दिया हुआ है। ये नवोदय का पेपर है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज फटीग कॉज द हायर लेवल ऑफ लैक्टिक एसिड, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा इन विच ऑफ फॉलोइंग डज ऑक्सीजन एक्सचेंज टेक प्लेस, ये सब रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्वेश्चन था जो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को वहां पढ़ा था। देखिए रेस्पिरेटरी का क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा है ना कि अरेंज द फॉलोइंग ऑर्गन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम, देखिए पूछा था सेकंड में हम लोग वही पाया था। देखिए मैं शुरू से बता रहा हूँ वही क्वेश्चन, आप देखिएगा सेम वही सीक्वेंस आपको मिलेगा, देखिएगा सेम उसी तरह से। तो मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि इन क्वेश्चंस को आप जरूर देखिएगा। 2022 के दो पेपर मैंने दिए नवोदय के, 16 के नवोदय दिया, 20 का नवोदय दिया, 4 पेपर नवोदय के मैं दे चुका हूँ, है ना, और आपको केवीएस के भी 4 पेपर मिल चुके हैं, 8 पेपर ये हो गए, बाकी 8 पेपर आप DTPLSP 2018 से 2021 के बीच में TGTPT सारा देख लीजिए, आपको इनमें से लगभग 40% क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे आया क्वेश्चंस आपका जो मैंने आपको बताया था, सारे क्वेश्चंस आपको वैसे ही मिलेंगे, जो सीक्वेंस वहां पे था उसी सीक्वेंस में आपको क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, ये आप देख लीजिए। और किसी को कुछ पूछना है या कुछ बात बतानी है तो सजेस्ट कर सकता है। कोई भी ये वाला पेपर दिए हैं ना सर आपको? ये बुक में है जी, जी बुक है ना, बुक तो है ना जी, जी हाँ, तो जिसके पास बुक है वो सारे बुक में पेपर है, जिसके जिन्होंने बुक नहीं लिया है उनके पास ये शायद ही ना मिले, और फिर जिसको भी पेपर चाहिए वो मांग लेगा। ये मैं आपको केवीएस पूरा 2013 से लेकर 2023 तक का केवीएस दूंगा, 10 साल का केवीएस, इतना कलेक्शन किसी के पास नहीं होगा, ना किसी कोचिंग का ना किसी इंस्टीट्यूट के पास। 2013 से 2023 तक का पेपर आप मांग लीजिएगा केवीएस का, इस फॉर्मेट में नहीं होगा। जैसे मैंने क्या है ना, आपको मिलेगा तो वो दूसरे कोई पेपर किसी बच्चे ने दिया है तो उन्होंने कंप्यूटर से डायरेक्ट उसका वो ले लिया है पीडीएफ बनाकर, तो वो नहीं, इस फॉर्मेट में इस तरह से क्वेश्चंस है ना, वहां पे आंसर आपका बगल में दिया होगा, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आंसर लास्ट मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ फिटनेस से दिया हुआ है, साइकिलिंग इज यूज टू इम्प्रूव, ये क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, तो एक बार जरूर इनको लगा लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन जिसको नहीं मिला है मैं क्वेश्चन भेजता रहूंगा और आप इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। बाकी चीजें आपको मैं बता दूं कि जो मैंने बुक आपको दे दी वो बुक आपको फिजिकल एजुकेशन में अभी तक नहीं मिलेगा। बाकी देखिए मैं अपने मुंह से नहीं बोलता हूं, बाकी आप अपना पढ़िए और जरूर देखिए, आप खुद ही समझ में आएगा, आप खुद ही इतने होशियार है पढ़ते पढ़ते आप सब लोग, कि आपको पता है कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, आप अपना खुद चुनने के लिए है, ठीक है। तो ये रहा पैटर्न, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं कि क्या सर कोई या तैयारी करने में कोई समस्या आ रही है तो भी हमसे डिस्कस करिए, मैं बताऊंगा आपको, किसी का मन में कोई सवाल है तो पूछ सकता है। हेलो सर जी, मुझे नहीं बुलाया सर, इंग्लिश वाला पोर्शन नहीं हो पा रहा है सर। हमने अभी क्या बताया था आपसे इंग्लिश के लिए? हेलो, हाँ हाँ, अभी हमने इंग्लिश के लिए क्या बोला था आपसे सर? जितना प्रैक्टिस सेट हो सके उतना उसी में से करें बस। तो आपके इंग्लिश के लिए मैं बता दूं, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो इंग्लिश में खाली 4 चीजों पे कंसेप्ट करिए, कॉन्सेप्ट मतलब करिए, एक वोकैबुलरी, एक काम करिए, जितना भी पुराने पेपर हुए हैं केवीएस के और नवोदय के उनमें जो इंग्लिश का सेक्शन है वो इंग्लिश का सेक्शन को आप 10-20 क्वेश्चन कलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो यूट्यूब पे आप डालेंगे तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग पेपर हुआ होगा, फर्स्ट पेपर सब में अलग हुआ होगा, ठीक है, अलग अलग दिन पर अगर हुआ है अलग अलग सब्जेक्ट का तो अलग अलग पेपर आया होगा, तो अलग अलग क्वेश्चंस भी आए होंगे उनमें से। जैसे देखिए जो रटने वाली चीजें हैं, जैसे
एंटोनिम्स सिनोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब होता है वही आपका जैसे हम लोग विलोम शब्द कहते हैं ना हिंदी में, तो वो एंटोनिम्स का बन सकते हैं। पुराने उसको देख लीजिए, पिछले कुछ सालों के पेपर्स को उठा के देख लीजिए कि कितने एंटोनिम्स उन्होंने कौन कौन से दिए हैं। तो वैसे ही 10-15-20 क्वेश्चन या फिर यूट्यूब पे डालिए कि एंटोनिम्स फॉर केवीएस के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो वो बताएंगे आपको कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि केवीएस वहां से पूछता है। सिनोनिम्स का मतलब होता है कि एक शब्द समानार्थी पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द, हाँ वही पर्यायवाची। तो आप समानार्थी शब्द या उसके लिए कौन शब्द यूज करते हैं, तो ये सब चीजें रटने वाली है। देखिए आप वोकैबुलरी आप रट पाएंगे, एंटोनिम्स सिनोनिम्स रट पाएंगे, इसी में से अगर 3-4-5 क्वेश्चन आप अगर कर पाते हैं रट के तो आप कर लीजिए, क्योंकि देखिए आपसे ग्रामर नहीं होगा और ग्रामर जो प्रैक्टिस नहीं करता है वो नहीं कर पाएगा इंग्लिश। जी सर जी ना, यही मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। थैंक यू सर। और किसी को पूछना है कैसे क्या करना है तो भाई देखिए बता दूंगा आपको कि कैसे क्या करना है। कोई दिक्कत है टॉपिक का नाम, ये जो मैंने सिलेबस आपको शेयर किया हुआ है ग्रुप में पहले कर दिया हूं मैं, आप इसको देख लीजिएगा। अगर आप ग्रुप में नहीं होंगे, मिल गया होगा आपको लगभग जितने लोग हैं, वहां से आप क्या करिएगा सिलेबस देख लीजिएगा, सिलेबस का नाम डालिए, उससे लिखिए कि रिलेटेड पीवाईक्यूज या खाली पीवाईक्यूज डालिए, टॉपिक का नाम पीवाईक्यूज, और अब खाली इसी पर ही आप प्रैक्टिस करते चले जाइए, क्योंकि अब आपके पास थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है। ठीक है, चाहे वो फिजिकल का सिलेबस हो और चाहे वो फर्स्ट पेपर का सिलेबस हो, ये आपको वहां पर बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और सभी को बेस्ट ऑफ लक। किसी को कोई समस्या होगी तैयारी कैसे करना है, क्या क्वेश्चंस रहेंगे या कैसे है, तो ये आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है।